सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की नसीहत देते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमें अपने आप को और अपने परिवार को कैसे लोगों से सुरक्षित रखना है, क्राइम से बचा कर रखना है। देखते हैं क्या है मामला। जी हाँ, जो आज मैं आपको घटना बताने वाली हूँ वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। क्या सच में भी ऐसे होता है? क्योंकि आज तक हमने सिर्फ यही सुना है कि बेटियाँ सबसे ज़्यादा करीब अपने पापा के होती हैं, पापा की परियाँ होती हैं, पापा सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटियों से करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि एक पापा ही अपनी बेटी को बेच देते हैं? देखते हैं क्या है कहानी। बेटी को शादी के नाम पर बेचने की फिराक में था शराबी पिता, पत्नी ने विरोध किया। यूपी के देवरिया में एक महिला ने पुलिस से शिकायत कर कहा है कि उसका पति उसकी बड़ी बेटी को शादी के नाम पर बेच देने की फिराक में था। पता चला तो विरोध किया, इस पर उसने मारपीट की। 23 जून की रात महिला के सिंदूर को धोकर बाल काटे और घर के बाहर घुमाया, साथ ही पांचों बेटियों के साथ मारपीट की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शराबी पिता शादी के नाम पर अपनी बेटी को बेचने की फिराक में था। जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चला तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपी ने पहले पत्नी की मांग के सिंदूर को धोया और फिर बाल काटकर घर के बाहर घुमाया। पुलिस ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला आरोपी विदेश में नौकरी करता है, इन दिनों वह घर आया है। उसकी पत्नी का आरोप है कि उसका पति शराबी है, उसकी 5 बेटियां हैं और वह खुद मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाती है। बड़ी लड़की की शादी की कई जगह बात चल रही है। इसी बीच उसके पति ने मुरादाबाद में शादी के नाम पर बेटी को बेचने का सौदा कर दिया। इस बारे में जब पता चला तो विरोध किया, इस पर आरोपी ने मारपीट की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पहले उसकी मांग में पानी डालकर सिंदूर धोया, उसके बाद बाल काटे और घर के बाहर इधर उधर घुमाया। आरोपी ने पांचों बेटियों के साथ भी मारपीट की और घर के बाहर ताला लगा दिया। सुबह महिला के मायके वाले पहुंचे, महिला अपने पिता के साथ घर के लिए निकली तो उसके पति ने उसे रास्ते में घेर कर मारपीट की। इस पर राहगीरों ने बीच बचाव किया। महिला का कहना है कि आरोपी बड़ी बेटी पर हमेशा शक करता है, इसको लेकर भी आए दिन मारपीट करता है। सदर कोतवाल अनुज कुमार सिंह ने बताया कि कुमार संज्ञान में आया है, मामला संज्ञान में है, जांच कर रही कर कार्रवाई की जाएगी। बेटी को शादी के नाम पर बेचने की फिराक में था शराबी पिता, पत्नी ने विरोध किया तो यूपी के देवरिया में एक महिला ने पुलिस से शिकायत कर कहा कि उसका पति उसकी बड़ी बेटी को शादी के नाम पर बेच देने के फिराक में था। पता चला तो विरोध किया, इस पर उसने मारपीट की। 23 जून की रात महिला के सिंदूर को धोकर बाल काटे और घर के बाहर घुमाया, साथ ही पांचों बेटियों के साथ मारपीट की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शराबी पिता शादी के नाम पर अपनी बेटी को बेचने के फिराक में था। जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चला तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपी ने पहले पत्नी की मांग के सिंदूर को धोया और फिर बाल काट कर घर के बाहर घुमाया। पुलिस ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला आरोपी विदेश में नौकरी करता है, इन दिनों वह घर आया है। उसकी पत्नी का आरोप है कि उसका पति शराबी है, उसकी 5 बेटियां हैं और वह खुद मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाती है। बड़ी लड़की की शादी की कई जगह बात चल रही है। इस बीच उसके पति ने मुरादाबाद में शादी के नाम पर बेटी को बेचने का सौदा कर दिया। इस बारे में जब पता चला तो विरोध किया, इस पर आरोपी ने मारपीट की। 23 जून की रात जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पहले पत्नी की मांग में पानी डालकर सिंदूर धो दिया, इसके बाद बाल काट कर घर के बाहर इधर उधर घुमाया। आरोपी ने 5 बेटियों के साथ भी मारपीट की और घर के बाहर ताला लगा दिया। सुबह महिला के मायके वाले पहुंचे, महिला अपने पिता के साथ घर के लिए निकली तो उसके पति ने उसे रास्ते में घेर कर मारपीट की। इस पर राहगीरों ने बीच बचाव किया। महिला का कहना है कि आरोपी बड़ी बेटी पर हमेशा शक करता है, इसको लेकर भी आए दिन मारपीट करता है। सदर कोतवाल अनुज कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की कार्रवाई की जा रही है। देखा दोस्तों, किस तरह एक पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटियों पर जुल्म करता है, जुल्म की सारी हदों को पार करता है। सिर्फ अपने शक में, अपने नशे में वह अपने ही घर को तबाह करता है, बर्बाद करता है। अपनी पत्नी के साथ
जानवरों से भी बदसलूक करता है, अपनी ही बेटी को बेचने के बारे में सोचता है। अभी पुलिस की कार्यवाही चालू है, देखते हैं क्या होता है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।